आज हम बनाने वाले हैं कच्चे केले के कोफ्ते। तो ये खाने में स्वादिष्ट के साथ साथ पौष्टिकता से भरपूर होता है। इसे हम काट कर या छील कर बॉयल नहीं करेंगे, इसे हम ऐसे ही ले लेंगे ताकि इसकी पौष्टिकता बनी रहे। प्रेशर कुकर बंद कर दिया है मैंने और 3 सीटी आने तक इसे हम पका लेंगे। तो हमारे केले जो है वो पक चुके हैं, इसे मैं छील लूँगी। बॉयल होने के बाद ये बहुत आसानी से छीला जा सकता है, तो ये अभी तो बहुत गर्म है। इसे मैशर से मैश कर लेंगे। तो ये मैश हो चुका है, इसे हम ठंडा होने के लिए 5 मिनट रख देंगे। तो अब ये ठंडा हो चुका है, अब इसमें हम मसाले डालेंगे। तो मैंने इसमें डाले हैं 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, अब मैं डालूंगी हरा धनिया। इसके अलावा सूखे मसालों में हम लेंगे 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, स्वादानुसार नमक, इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेसन, ये बाइंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। बेसन ज़्यादा ना लें, 1 चम्मच ही लें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसके गोले बनाएंगे। तो हाथ में थोड़ा ऑयल लगा लेंगे ताकि हमारे गोले अच्छे से बन जाएंगे। इस तरह से गोले बनाकर रख लेंगे और ऑयल गर्म होने के लिए मैं चढ़ा देती हूँ। तो एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है। तो ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम अपने कोफ्तों को डालेंगे और ये मैंने सारे कोफ्तों को डाल लिया है। तो इसे हम दोनों साइड फ्राई करेंगे। तो पहले एक साइड लाइट ब्राउन हो जाए, इसके बाद हम इसे पलट देंगे और दोनों साइड अच्छे से इसे पका लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे ताकि हमारे कोफ्ते जो है वो अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए हमारे कोफ्ते जो है वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं। इसे अब हम पलट लेंगे और पलट के हम इसे दोनों साइड अच्छे से पका लेंगे। तो हमारे कोफ्ते जो है अच्छे से पक गए हैं, इसे मैं बाहर निकाल ले रही हूँ। चलिए अब हम अपनी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 टोमेटो, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 हरी मिर्च। इन सभी का हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो ये मैंने पेस्ट रेडी कर लिया है। अब मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें 1 बड़ी चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम गोटा जीरा डालेंगे, थोड़ा राई के दाने यानी सरसों के दाने डालेंगे और करी लीव्स डालेंगे। यदि करी लीव्स नहीं है आपके पास तो आप तेज़पत्ता डाल सकते हैं। तो इसके बाद हम थोड़ा सा मसालों को चटका लेंगे। तो हमारे मसाले जो हैं वो हल्का ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें अपने सूखे मसालों को ले लेंगे। तो उसके लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। मैंने फ्लेम को एकदम लो रखा है ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अब हम इसमें टमाटर, अदरक और मिर्च का वो पेस्ट भी डाल लेंगे और इसे अच्छे से मसालों के साथ मिलाकर इसे अच्छे से पका लेंगे। इसकी ग्रेवी जो है वो थोड़ी खट्टी बनने वाली है। तो यदि आप खट्टा ज़्यादा ना खाते हो तो जो हमने ग्रेवी के लिए टमाटर लिए हैं उसके सीड्स को आप निकाल दीजिएगा। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके मसालों को पका लेंगे।
तो हमारे मसाले जो हैं वो पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच बेसन, ये ऑप्शनल है, आप इसे डाल भी सकते हैं और नहीं भी। मुझे इस कढ़ी के साथ में ये बेसन बहुत अच्छा लगता है तो मैंने इसे डाला है, और इसे भी मैं मसालों के साथ बहुत अच्छे से पका लूँगी। तो हमारे मसाले जो हैं वो पक चुके हैं, आप देख सकते हैं मसालों ने बहुत अच्छे से तेल रिलीज कर दिया है। अब मैं इसमें हाफ ग्लास पानी डाल लूँगी। तो ये ग्रेवी थोड़ी पतली ही होगी क्योंकि कोफ्ते जो है वो ग्रेवी बहुत टानते हैं, तो बाद में ग्रेवी जो है वो मोटी हो जाती है, तो इसलिए हम शुरू में ग्रेवी को पतला ही रखेंगे। और आप स्टेज पे चाहें तो कड़ी पत्तों को बाहर निकाल सकते हैं। अब हम इसे ढककर पका लेंगे, लगभग 3-4 मिनट पका लेंगे। तो 3-4 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला और इसे मिक्स करके फिर अब इसमें हम अपने कोफ्तों को भी डाल देंगे। तो मैंने अपने कोफ्तों को भी डाल लिया है और इसे ग्रेवी के साथ मिक्स करके ढक के हम 1 मिनट तक पका लेंगे। इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 मिनट से 2 मिनट पकाएंगे। तो बस हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। तो ये देखिए हमारे सुपर टेस्टी केले के कोफ्ते रेडी हैं। सिंपल केले की सब्ज़ी को कोई इतना पसंद नहीं करता, लेकिन उसी केले को यदि आप कोफ्ते बनाकर खाएंगे तो सभी बच्चे से लेकर बड़े सभी इसे बहुत पसंद करेंगे। तो आप ज़रूर बनाएं, आप इसे रोटी, पराठा, राइस, आप किसी चीज़ के साथ भी खाइए, बहुत अच्छी लगने वाली है। कोई मेहमान घर पे आ जाए आप झटपट ये बना सकते हैं। और एक बार प्योर वेज रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मैं जो भी रेसिपी शेयर करूँ वो टाइमली आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।